इसमें तो नमक भी नहीं है, अब मैं नमक कहाँ से लेके आऊँ? बिना नमक के तो सब्जी भी नहीं अच्छी लगेगी। हे भगवान, हम दोनों भाई बहनों को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? मैं गाँव में भीख मांगने जाती तो मुझे कोई भीख भी नहीं देता। काश आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। दीदी मुझे 10 रुपए दे दो, मैं दुकान से कुछ खाने के लिए लेके आऊंगा। भाई घर में नमक तक नहीं है, मैं तुझे 10 रुपए कहाँ से दूं? और मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं तुझे 10 रुपए दूं। काश आज हमारे माता पिता होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दीदी हमारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? भाई हमारे मम्मी पापा हमसे रुककर बहुत दूर चले गए हैं, अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। दीदी हम भी मम्मी पापा के पास चलते हैं और हम उनको बुला के लेके आएंगे, फिर हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। भाई हम मम्मी पापा के पास नहीं जा सकते, वो हमसे रुककर बहुत दूर चले गए हैं। अच्छा भाई तू ज्यादा बातें मत कर, मैं कहीं से नमक लेके आती हूँ। ठीक है दीदी। अरे दीदी घर पे कोई है क्या? अरे भिखारिन तू सवेरे सवेरे यहाँ क्या करने आई है? साहब जी मेरे घर में नमक नहीं है, थोड़ा सा नमक दे दो। क्या कहा, नमक महक दे दो? यहाँ कोई नमक नहीं है, चल जा यहाँ से। साहब जी दे दो नमक, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हमारे घर के आसपास नजर नहीं आया ना दोबारा, चल भाग यहाँ से। भगवान मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आज मेरे पिताजी होते तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। दीदी ले आई नमक। भाई किसी ने नमक नहीं दिया मुझे। दीदी अब हम क्या करेंगे? चल भाई अब हम भीख मांगने चलते हैं। क्या दीदी? भाई और हम कर भी क्या सकते हैं, चल चलते हैं। साहब जी मुझे कुछ पैसे दे दो। क्यों भिखारिन तेरी इतनी औकात जो तूने मुझे टच किया? देख भाई इस भिखारिन से कितनी बदबू आ रही है। अबे भिखारिन ये बच्चा कहाँ से उठाकर लेकर आई है? साहब जी ये बच्चा मैं उठाकर नहीं लेके आई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। अबे भिखारिन तुझे और मजे में रहेगी हमारे साथ, तुझे भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी, चल चलना। क्या सोच रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती भिखारिन से ऐसा बोलते हुए? अरे तुझे शर्म लग रही है तो भीख क्यों मांग रही है? हाँ भैया क्या गुंडागर्दी चल रही है? नहीं तो सर कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है, ये भिखारिन हमसे पैसे मांग रही थी, हम तो इसको पैसे दे रहे हैं। नहीं साहब जी ये लोग हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे और बोल रहे थे हमारे साथ चलो हम तुझे पैसे देंगे। साहब जी गरीबों को जीने का कोई हक नहीं होता क्या? ये हक नहीं है तुम्हें जीने का, पूरा हक है तुम्हें जीने का। चलो थाने में, तुम्हें थाने में देखता हूँ कितने रुपए दोगे। नहीं सर ये भिखारी झूठ बोल रही है। और हाँ कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा ऐसी हरकत करी ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। अब की बात ये तो बात है भाई, कल के शाम में 15 लाख का फायदा हुआ है फैक्ट्री में। भाई अपनी फैक्ट्री में किस किस ब्रांड की शराब बनाई जाती है? अब तक तो 2-4 ही ब्रांड बनाए जा रहे थे भाई, अब हम ऐसा करेंगे जिससे 4-6 ब्रांड और बनाएंगे और जिससे हमें बहुत मुनाफा होगा। वो कैसे भाई? वो ऐसा भाई
हमारे पास ज्यादा ब्रांड होंगे तो हमारी शराब ज्यादा बिकेगी और इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा और हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। भाई ये आइडिया तुम्हारा सबसे बेस्ट रहेगा और कल से हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है भाई अब चलते हैं। यार हरिओम अभी तक आया नहीं, फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा है। बहुत लेट कर दिया यार, चल अब चलते हैं। भाई क्या हो गया? भाई बाइक खराब होगी। ठीक है मैं अभी मैकेनिक को फोन करता हूँ। हेलो, अरे सुनील भाई कहाँ पर है? यार हमारी बाइक खराब हो गई और 143 पे खड़े हैं हम, जल्दी से आ जा। ठीक है ओके। चल भाई जब तक मैकेनिक आता है तब तक हम घूम कर आते हैं। ठीक है। बस भाई मुझसे और नहीं चला जाएगा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। दीदी आप यहाँ क्यों बैठ गईं? भाई मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा गला भी सूख रहा है, अगर मुझे पानी नहीं मिला ना तो मेरी जिंदगी खतरे में है। दीदी अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? भाई इस दुनिया में बहुत बच्चे हैं जो बिना माँ बाप के रहते हैं, जैसे और लोग भीख मांग के अपना पेट भर लेते हैं वैसे तू भी भर लेना, हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। दीदी देखो वो दो लोग आ रहे हैं। अरे भाई ये तो कल वाले लोग हैं, तू इनसे कुछ मत कहना नहीं तो ये फिर से हमारी मजाक बनाएंगे। दीदी वैसे भी हम गरीब लोगों की इज्जत कौन करता है, पर दीदी आपको तो बहुत तेज प्यास लग रही है और दीदी इन पे पानी की बोतल भी है, चलो चलते हैं इनके पास। चल भाई तू नहीं मानता तो, वैसे भी ये अमीर लोग हम गरीब लोगों को तड़पाते ही हैं। साहब जी मुझे 20 रुपए दे दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं पानी की बोतल ले लूँगी और मेरी जान भी बच जाएगी। चली जाए यहाँ से, हमारा तो पहले से ही मूड खराब है और तू फिर आगे खून पीने। साहब जी दे दो पैसे मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे हट यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी दीदी को धक्का मारते हुए? जब तुझे शर्म आ रही है तो इस आइटम से भीख क्यों मंगवा रहा है, इसको किसी अड्डे पे बिठा दे, रात और रात हजारों रुपए कमाएगी। अच्छा तो ऐसी बात है तो अपनी माँ को बिठा दो। क्यों रे तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरी माँ को ऐसा कहा, रुक तुझे अभी बताता हूँ। साहब जी इसे माफ कर दो, इसे नहीं पता बड़ों से कैसे बात की जाती है, इससे गलती हो गई। हेलो, हाँ हम अभी आते हैं। ठीक है। कौन था भाई? भाई हम जिससे दारू बनाते हैं वो केमिकल हमारी फैक्ट्री में फालतू आ चुका है, इसलिए हम उससे नए नए ब्रांड बना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो इस भिखारी को पानी पिला देते हैं। चलो हाथ आगे करो। साहब दे दो पानी, इतना क्यों तड़पा रहे हो? तो मर जाना यहाँ क्यों पड़ी है? दीदी अभी रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। पानी तो अब मिल नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, चलो दीदी के पास ही चलता हूं। दीदी आपको क्या हो गया? Mm-hmm.
दीदी उठो ना, आपको क्या हो गया? उठो ना दीदी। दीदी उठो ना। अरे क्या हुआ, क्यों हो रहा है? दीदी उठ नहीं रही। साहब जी मेरी बहन को प्यास लग रही थी और ये गिर गई। रुक मैं अभी पानी देता हूँ। बेटा तेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर इन्हें 20 मिनट पहले पानी मिल जाता तो ये बच जाती। अब तू कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। बेटे तू मेरे साथ चल, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता लेकिन तेरी पढ़ाई जरूर करा सकता हूँ। नमस्ते, कैसा होना हुआ? सर जो हमारे यहाँ मथुरा फैक्ट्री है उसमें नए नए ब्रांड बनाए जा रहे हैं, उसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं और मर भी रहे हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो नए नए ब्रांड बनाए जा रहे हैं? हाँ सर मेरे पास प्रूफ है। अरे यार सर अभी तक नहीं आए, पता नहीं कितना इंतजार करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए क्यों आए हो और कुर्सी बैठने के लिए किसने बोला? सॉरी सर हमसे गलती हो गई कुर्सी पे बैठने के लिए। सर आपसे हम एक बात पूछने के लिए आए हैं, आपने हमारी फैक्ट्री को सील क्यों कर दिया सर? क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री में नए नए ब्रांड बनाए जा रहे थे और उसे पी के लोग मर रहे थे। तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी और तुम्हें पता है इससे कितने लोगों के नष्ट हो गए? तुम्हें क्या मतलब, चाहे कोई आदमी मरे या जिए? सर तुम पर क्या प्रूफ है जो हमने नए ब्रांड बना रहे हैं? सबूत ये देख, तेरी फैक्ट्री का ब्रांड है ना, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस नए ब्रांड से कितने लोगों की जान जा चुकी है। सर थोड़ा पानी मिलेगा? क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। लो पियो। बदतमीजी, क्यों रे भूल गया, यही सीन तूने मेरी बहन के साथ किया था। अगर उस दिन तू मेरी बहन को पानी दे देता ना तो मेरी बहन की जान बच जाती। सॉरी सर हमें माफ कर दो। और हाँ तू क्या कह रहा था, इसे कोटे पर बिठा दो, अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा तुम घर से निकलने लायक नहीं रहोगे। सर आप यहाँ तक कैसे आए? सर आपको हमारी फैक्ट्री सीज करके आपको क्या मिलेगा? याद कर कुछ साल पहले मेरी दीदी तुमसे पानी मांग रही थी लेकिन तुम्हारे पास एक फोन आया, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम भीख मांगने लायक भी नहीं रहोगे। पता नहीं कितने गरीबों के साथ तुमने ऐसा किया है। सर आपने हमारी फैक्ट्री को सीज कर दी और हमें तो छोड़ दो। बेटा तुम दोनों का तो एनकाउंटर ही होगा, कल तक का वेट करो। हुकम सिंह ले जाओ उन्हें और बंद कर दो ताकि ऐसा किसी गरीब के साथ ना करें। आई चलिए।